जय हिंद दोस्तों, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं, है ना, एक के बाद एक सिस्टमैटिकली ढंग से मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं। आप लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अच्छी तरह नोट्स करते जाएंगे। और ये क्योंकि ये आपके लिए है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटर पास करने के साथ साथ आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं सबके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट वीडियोज है, ये आपका बेसिक नॉलेज है। इसलिए आप इसको कम्प्लीटली देखें, अच्छी तरह देखें, नोट्स करते जाए, समझते जाए। तो चलिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए है ना इस स्पेशल नरेशन के स्पेशल रूल्स को डिस्कस करेंगे, है ना। तो सिक्स रूल तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग सेवेंथ रूल देखेंगे। उस स्थिति की चर्चा करेंगे जब आरबी है ना, जब आरएस जो है लेट से शुरू होता है ना। ध्यान देना है, लिखिए सेवन नंबर, देखिए लिखा है ना, लिखिए इफ द आरएस बिगिंस विथ लेट। ये आरएस जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है यदि लेट से शुरू होता है तब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो जानते हो लेट क्या है, ये लेट वर्ब है। वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन जब आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और एक बात आपको याद रखना है, लेट के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो या तो फर्स्ट पर्सन होगा या तो थर्ड पर्सन होगा, या तो फर्स्ट पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा, और सेकेंड पर्सन इसके बाद नहीं आता है। इसको आप याद रखिए, यदि लेट से शुरू होता है तो है ना, तो कैसे हम लोग बनाते हैं। तो लेट के बाद वी का रूप अस भी आ सकता है, लेट के बाद बी भी आ सकता है, लेट के बाद हिम हर देम ये सब आ सकता है, थर्ड पर्सन में या फर्स्ट पर्सन में आ सकता है। तो किस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए उसको देखते हैं। चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं, इफ द आरएस बिगिंस विथ लेट्स ऑब्लिक लेट अस। ध्यान दे रहे है ना, समझ रहे हैं क्या लिखा, इफ द आरएस बिगिंस विथ लेट्स और लेटस, चाहे लेट्स कहिए या लेटस कहिए एक ही बात है, लेटस फुल फॉर्म है, इसी का शॉर्ट फॉर्म लेट्स है ना, लेट्स या लेटस से शुरू होता है। एंड इट शोज प्रोपोजल, ये प्रोपोजल को दिखाता है, इट शोज प्रोपोजल है ना, ये किसको दिखाता है, प्रोपोजल को, प्रस्ताव को दिखाता है। तब क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ए नंबर में लिखते हैं चेंज द आरबी इंटू सजेस्ट ऑब्लिक प्रोपोज। याद रहेगा है ना, चेंज कर देना है द आरबी, आरबी को इंटू सजेस्ट ऑब्लिक प्रोपोज, आरबी को सजेस्ट या प्रोपोज में चेंज करना, याद रहे है ना। नेक्स्ट पॉइंट बी नंबर में रिमूव लेट्स ऑब्लिक लेटस, क्या लिखा, रिमूव लेट्स ऑब्लिक लेटस, ये लेट्स या लेटस जो होगा उसको आप हटा देंगे, लेट्स या लेटस जो होगा उसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे। एंड चेंज भी वन प्लस अदर वर्ड इंटू वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। देखिए इसको आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आपके हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, समझिए है ना क्या लिखा। एंड यदि इफ द आर एस बिगिंस विथ लेट्स ऑब्लिक लेटस एंड इट शोज प्रोपोजल, यदि लेट या लेटस से शुरू हो और ये प्रोपोजल को दिखाए है ना, प्रस्ताव को दिखाए, तो उस स्थिति में आपको करना है चेंज द आरबी इंटू सजेस्ट ऑब्लिक प्रोपोज।
आरबी को सजेस्ट या प्रोपोज में चेंज कर देना है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिमूव लेट्स ऑब्लिक लेटर्स, ये लेट्स या लेटर्स जो होगा उसको रिमूव कर देना, हटा देना, एंड और चेंज बी वन प्लस अदर वर्ड इन टू वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस लेट्स या लेटर्स हटने के बाद जो ये पार्ट बचेगा जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड होगा, इसमें आप इस फर्स्ट फॉर्म को वर्ब के फोर्थ फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा और अदर वर्ड लिखिएगा, ठीक है। यदि एक कंडीशन हुआ, एक परिस्थिति हुआ, एक तरीका ये हुआ, दूसरे मेथड से यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है लिखिएगा। और यदि ऐसे आप नहीं करना चाहते हैं, दूसरे तरीका से बनाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है, ए नंबर में लिखिए चेंज द आरबी इनटू सजेस्ट ऑब्लिक प्रोपोज, है ना, चेंज द आरबी इनटू सजेस्ट ऑब्लिक प्रोपोज, है ना। पहले मेथड में भी आरबी को सजेस्ट या प्रोपोज में बदले, नेक्स्ट मेथड में भी आरबी को सजेस्ट या प्रोपोज में बदले, है ना। एंड यूज दैट इन प्लेस ऑफ कोमाज, है ना, क्या लिखा, एंड कहता चेंज बदल दे द आरबी इनटू सजेस्ट ऑब्लिक प्रोपोज, आरबी को सजेस्ट प्रोपोज में बदल दें, एंड और यूज दैट, दैट का प्रयोग करें इन प्लेस ऑफ कोमाज, कोमा के स्थान पर, याद रहेगा। देखिए इसमें भी आरबी को सजेस्ट या प्रोपोज में बदले, इसमें भी बदले, लेकिन जहां कोमा होगा इस मेथड में वहां आपको क्या लिखना है, दैट लिखना है, ठीक है, लेकिन ऊपर में दैट का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। बी नंबर में लिखते हैं रिमूव, है ना, लेट, लेट को क्या करें, हटा दें, इसमें लेटर्स को हटाए थे, लेट पब्लिक लेटर्स को, इसमें सिर्फ लेट को हटाएंगे, लेट को हटा दें, एंड चेंज द रिमेंड सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, क्या लिखा, रिमूव लेट, लेट, लेट को हटा दें, एंड और चेंज बदल दें द रिमेंड सेंटेंस, बचे हुए सेंटेंस को, लेट को हटाने के बाद जो सेंटेंस बचेगा उसको क्या करना है, है ना, सेंटेंस को इनटू सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, है ना, लेट हटने के बाद जो बचेगा उसको, है ना। फिर देखेंगे सी नंबर में चेंज पर्सन ऑब्लिक अदर वर्ड, अदर वर्ड्स ध्यान रहेगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स, है ना, चेंज कर देना है पर्सन एंड अदर वर्ड को अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज करना है। आप देख रहे हैं, है ना, यदि आरएस, है ना, लेट से शुरू होता है तो उसके कई कंडीशंस होते हैं, है ना, लेट से शुरू होता है तो कई कंडीशन होते हैं लेट के बाद, है ना, या तो फर्स्ट पर्सन का, है ना, फर्स्ट पर्सन होता है या थर्ड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन नहीं होता है, तो इसका हम लोग पहला कंडीशन देख रहे हैं, इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला कंडीशन, क्या पहला कंडीशन है, यदि आरएस, है ना, लेट्स और लेटर्स से शुरू होगा तो क्या करना चाहिए, आरबी को सजेस्ट या प्रोपोज में बदलना चाहिए, है ना, और लेट्स या लेटर्स को हटाना चाहिए, और जो बचा सेंटेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड है उसको वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड में कन्वर्ट कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं, दूसरे पॉइंट को फॉलो करेंगे, दूसरे मेथड को फॉलो करना चाहते हैं, तो चेंज द आरबी इनटू सजेस्ट ऑब्लिक प्रोपोज, आरबी को सजेस्ट या प्रोपोज में बदल दें, एंड यूज दैट इन प्लेस ऑफ कोमाज, कोमा के जगह पर दैट का प्रयोग करें, रिमूव लेट, लेट को हटा दें, एंड चेंज द रिमेंड सेंटेंस, बचे हुए सेंटेंस को बदल दें इनटू सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट में, और चेंज पर्सन ऑब्लिक अदर वर्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स, पर्सन और अदर वर्ड को किसके अनुसार बदल दें,
रूल के अनुसार बदल दें जैसा नियम कहता है। उम्मीद है आपको याद रहा होगा, है ना। इसको आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं, है ना। आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से भी हम समझा देते हैं, इसको समझ लीजिए। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है ना। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये तो लैंग्वेज के मेथड से हुआ, अब इसको स्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे, है ना, तो एकदम बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए ऐसा होगा, है ना, डायरेक्ट नरेशन में होगा, ध्यान देना है, डायरेक्ट नरेशन में होगा सब्जेक्ट प्लस आरबी होगा, निश्चित सब्जेक्ट के बाद आरबी होता है ना। तब कोमा होगा, इन्वर्टेड कोमा होगा, या तो लेट्स होगा या लेटस होगा, यहां से शुरू हो रहा है। तब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, अदर वर्ड होगा, है ना, देख रहे हैं, ऐसा रहेगा डायरेक्ट नरेशन में। तो इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये सब्जेक्ट होगा, इस यहां पर जो आरबी होगा इसको टेंस के अनुसार सजेस्ट या प्रोपोज में बदल देना है। किसमें बदल देना है? सजेस्ट या प्रोपोज में, है ना। तब उसके बाद इस लेट्स या लेटस को हटा देना है, है ना। तब प्लस ये जो वर्ब है का फर्स्ट फॉर्म, इसको फोर्थ फॉर्म में बदलकर अदर वर्ड में अदर वर्ड लिख देना है, जो होगा उसके बाद, है ना। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे मेथड से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिए। तब क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट लिखेंगे, इसी तरह इस आरबी को सजेस्ट या प्रोपोज में बदल देंगे, सजेस्ट ऑब्लिक प्रोपोज में बदल देंगे। यहां पर जो कोमाज है इसके बदले में डेट लिखेंगे। ये देखिए दूसरा मेथड है, आइए पहला मेथड में डेट का यूज नहीं होता है, है ना। तब प्लस इसमें देखिए, इस फर्स्ट मेथड के अनुसार लेट्स लेटस पूरे को हटा दिए, लेकिन इसमें सिर्फ लेट को हटाना है, लेट हट गया, तब जो यहां से जो सेंटेंस बचता है उसको सब्जेक्ट तब शूट, है ना, तब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये ऐसा यदि डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस होता है उसको इनडायरेक्ट में बदलने के दो कंडीशंस है, लेकिन याद रहे ऐसी परिस्थिति में आरबी को ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, आरबी को ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तब ही दो मेथड से बनेगा, और आरबी को ऑब्जेक्ट रहेगा तो सिर्फ एक मेथड से बनेगा, उसकी चर्चा हम लोग आगे कर रहे हैं। तो पहले इसको एग्जाम्पल से आप समझिए, एग्जाम्पल लिखिएगा डायरेक्ट नरेशन में, है ना, राधा, है ना, सेठ, क्या लिखा, राधा सेठ, है ना, लेट्स हेल्प हर, क्या लिखा, राधा सेठ, लेट्स हेल्प हर, है ना। ये देखिए लेट्स से शुरू हो रहा है ना, ये प्रोपोजल है। तब आप इनडायरेक्ट में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो पहला तरीका देखिए, यहां राधा है, आप राधा लिखिए, है ना, और इसे सजेस्ट या प्रोपोज जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप बदल दीजिए। तो मान लीजिए सजेस्ट ही लिखते हैं तो सजेस्टेड करना हो जाएगा, है ना, सजेस्टेड करना होगा ना, क्योंकि ये पास्ट टेंस में, ये भी पास्ट टेंस हो गया, सजेस्टेड हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो है पहला नियम के अनुसार अभी आप बना रहे हैं, दूसरा नियम भी साथ ही साथ लेकर चले तो, है ना, राधा इसमें भी लिखना है, सजेस्टेड लिखना है, है ना, सजेस्टेड या प्रोपोज्ड भी लिख सकते हैं यहां पर, है ना। अब यहां क्या करना है, पहले नियम में इसको हटा देना लेटस को, है ना, तब ये हेल्प जो है इसका पहला फॉर्म देना है हेल्पिंग, है ना, हर, ऐसे हो जाएगा पहला तरीका में। अब यहां दूसरे तरीका में राधा सजेस्टेड, अब कोमा के जगह पर यहां डेट लिखना होगा, कोमा के जगह पर क्या लिखना होगा, डेट, याद रहेगा, है ना। अब सिर्फ लेट को हटाना है, ये लेट हट गया तो यहाँ अस जो है ये तो वी का शॉर्ट, अस जो है ये वी यहाँ पर है नॉमिनेटिव केस में, है ना, यदि अब ये सब्जेक्ट में बदलेगा तो यहाँ वी हो जाएगा, वी तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट यहाँ थर्ड पर्सन में है तो यहाँ वी भी थर्ड पर्सन में दे हो जाएगा, दे लिखे, है ना। तब उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, तब देखिए यहाँ क्या है, शूड है तो आप भी शूड दे दीजिए, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ हेल्प हर है तो यहाँ हेल्प हर दे दीजिए, है ना, ऐसे ये कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, इसमें गलती नहीं होती है। एक और एग्जांपल देखिए, ध्यान से समझिए, है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए दोनों तरीके से बनता है ना, ऑप्शन जो रहता है एग्जाम में,
चार ठो ऑप्शन होगा तो इस तरीका से भी बनाया हो सकता है, इस तरीका से भी बनाया हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि हमको है ना दोनों तरीका से आना चाहिए ताकि ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपको इजी होगा, है ना। एक और एग्जांपल डायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं, दे से, है ना, लिखा है लेट अस, है ना, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, है ना। देखिए, है ना, ये लेट अस से शुरू है और ये सजेशन या प्रपोजल को दिखाता है। तो यहां पर इनडायरेक्ट नरेशन इसका दो ठू हो जाएगा, दो तरह से बनेगा। तो पहला तरीका लिखते हैं दे, है ना, यहां सजेस्टेड लिखे, इसके यहां प्रोपोज भी लिख सकते हैं, प्रोपोज्ड, है ना। अब यहां लेट अस को हटा दीजिए, ये वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा प्लेइंग, है ना, क्रिकेट। ये पहला मेथड हो गया, ऐसे रहेगा। अब देखिए ये हर इस स्थिति में होता है जब आरबी को ऑब्जेक्ट में रहता है तब, ये हरदम याद रखिए, है ना। और इसको दूसरे तरीका से बनाते हैं, दे प्रोपोज्ड, दे प्रोपोज्ड, अब यहां कोमा के जगह डेट देना होगा, है ना। यहां अस जो है लेटस में से लेट हटेगा, फिर अस तो यहां वी हो जाएगा, वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, दे हो जाएगा। तब इधर लिखेंगे शूट, क्या लिखेंगे, शूट का प्ले, है ना, क्रिकेट, है ना। ये दोनों स्थिति में आप इसको, है ना, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह रूल आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, इसको नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। याद रहे, ये आपके लिए और आपके बेसिक नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप पूरा वीडियो देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, है ना, और लाइक जरूर कर दें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।